बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ठंड में लालू प्रसाद यादव खा रहे हैं लिट्टी चोखा। जी हाँ, हम आपको बता दें, कड़ाके की ठंड के बीच लालू प्रसाद यादव इन दिनों लिट्टी चोखा का आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने खाने पीने की तमाम बंदिशों के बीच लिट्टी चोखा खाने के लिए इच्छा जताई तो डॉक्टरों ने इस पर अपनी सहमति दे दी। जी हाँ, हम आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मधुमेह के मरीज को लिट्टी चोखा खाने से कोई नुकसान नहीं है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के लिए विशेष तौर पर लिट्टी चोखा और बैगन का भरता तैयार करवाया गया। बताया गया है कि जिस हिसाब से लालू प्रसाद को कई गंभीर बीमारियां हैं, उसमें उन्हें मटन, मछली और चिकन खाने पर रोक लगा दी गई है। डॉक्टरों के मुताबिक लालू प्रसाद की तबीयत में सुधार हो रहा है। अभी कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उस पर लगातार नज़र रखी जा रही है। आपको बता दें, चारा घोटाले के चार मामलों में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की देख रेख कर रहे चिकित्सकों का कहना है कि उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ है। वहीं आगे आपको बता दें कि 4 जनवरी को होगी सुनवाई लालू प्रसाद की। जी हां, हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर 4 जनवरी को होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में यहां लालू की ओर से बहस करने सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील कपिल सिब्बल पहुंचे थे। हालांकि सीबीआई ने बहस की तैयारी पूरी नहीं रहने को लेकर कोर्ट से समय लिया था। वहीं और भी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।